नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, उसके बाद के पाठक के साथ साथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। जिस तरीके से बीते दिनों के पाठक ने एक आदेश जारी किया था, जहां पर विश्वविद्यालयों के जो फंड है उसको रोक दिया था, इसको देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जहां पर बड़ा आदेश देते हुए साफ कहा है कि 10 दिन के भीतर जो फंड है विश्वविद्यालयों का वो जारी किया जाए। अगर फंड जारी नहीं होता है तो देखा जाए तो तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो के पाठक है, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से बिहार का शिक्षा विभाग चल रहा है और जिस तरीके से के पाठक नए नए फरमान अपना लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। जहां बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट ने देखा जाए तो शिक्षा विभाग से 10 दिनों के भीतर राज्य के विश्वविद्यालयों का फंड जारी करने का आदेश दिया है। वहीं देखा जाए तो पैसा नहीं दिए जाने पर के पाठक समेत विभाग के आला अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी, ऐसा बताया गया है पटना हाईकोर्ट ने। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए द्वितीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि पैसा नहीं दिए जाने पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं कोर्ट ने 3 विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर पाबंदी के शिक्षा विभाग के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगली सुनवाई को देखते हुए तारीख जो है 25 जून तय की गई है। ऐसे में देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट को देखते हुए उसमें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति के वेतन उठाओ रोक आदेश पर भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विश्वविद्यालयों की ओर से दायर 11 मामले पर एक साथ सुनवाई की। राज्य के विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लिए जाने पर 3 विश्वविद्यालयों के सभी खातों के संचालक पर अगले आदेश तक रोक लगाने और बैठक में भाग नहीं लेने पर स्पष्टीकरण की मांग करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई। वही बता दें आपको कि अदालत ने चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा है कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के स्वीकृत बजट राशि का भुगतान करे, अन्यथा विभाग के सभी आला अधिकारियों के वेतन उठाव पर देखा जाए तो रोक लगा दी जाएगी। देखा जाए तो महाधिवक्ता ने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव के पाठक को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम आदेश जारी करवाया। बता दें आपको कि महाधिवक्ता ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बचाव करते हुए कोर्ट को बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड की समस्या के कारण उन्हें बैठक में दिक्कत होती है, इस कारण वीसी के साथ हुई बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। कोर्ट ने वीसी और अधिकारियों को इसे अहम का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं नहीं बनाने की बात कही। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए कई बिंदु तय किए। कुलाधिपति की ओर से डॉक्टर के एन सिंह और अधिवक्ता राजीव रंजन कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश का मान सम्मान नहीं करते हैं। तो वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से विगत दिनों को देखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट ने वीसी के साथ होने वाली बैठक में अपर मुख्य सचिव के पाठक को भाग लेने का आदेश दिया था, लेकिन वह बैठक में नहीं आए थे। यही नहीं, विश्वविद्यालयों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी दिया गया था। बावजूद इसके विभाग ने पत्र जारी कर 3 के कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैठक को देखते हुए बैंक खाता संचालन पर रोक लगा दी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पद जो युक्त है कहीं ना कहीं करने की कार्रवाई करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह भी बताया गया है कि विवी कानून के तहत सरकार को पैसा रोकने का अधिकार नहीं है, बावजूद सरकार जो गत जानकारी है उसको देखते हुए पैसा नहीं दे रही है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को बताया है कि विभाग के बैठक में जब तक वीसी भाग नहीं लेंगे तब तक शिक्षा विभाग एक पैसा नहीं देगा। उनका कहना था कि सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए विश्वविद्यालय को नहीं खोला गया है। यही नहीं, कहीं ना कहीं उनका कहना था कि वीसी की नियुक्ति कैसे होती है यह सभी को पता है। उन्होंने कोर्ट बताया है कि अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट समीक्षा बैठक में कुलपति को भाग लेने को कहा गया था, लेकिन बैठक में किसी ने भाग नहीं लिया। 15 मई से 29 मई के बीच सुबह के कहीं ना कहीं 13 विश्वविद्यालयों को बैठक में भाग लेने के लिए तारीख व समय तय किया गया था। विश्वविद्यालयों की ओर से अधिवक्ता विंध्याचल राय, सिद्धार्थ प्रसाद, रितेश कुमार राणा, विक्रम सिंह, मोहम्मद
असहर मुस्तफा राजेश प्रसाद चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के गत 16 मई को पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने पर 3 विवि के सभी खातों को संचालन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में इसको देखते हुए बैठक में भाग नहीं लेने पर स्पष्टीकरण मांगा है। यही नहीं, पदच्युत जो करने तक की बात जो है कहीं ना कहीं कही गई है। ऐसे में उनका कहना था कि विश्वविद्यालय कानून के तहत शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय को देखते हुए इसको देखते हुए सभी कर्मी को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो शिक्षा विभाग को बजट मंजूर किए हुए हैं और ऐसे में इसको देखते हुए उसे भी कहीं ना कहीं गत जनवरी से जारी नहीं कर रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से खबरें आ रही है इसको देखते हुए के पाठक के साथ साथ तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। उनका 10 दिनों के अंदर जो है अगर काम नहीं करते हैं तो रोक दिया जाएगा और ऐसे में उनको वेतन नहीं मिलेगा। ये पटना हाईकोर्ट के जज का आदेश है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।